नमस्कार, हिमालिनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी से मैं अंशुल राजपूत करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। केरल की एक घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। नदी में धक्का देकर नाबालिग बेटी की जान लेने वाला बेहरम पिता गिरफ्तार। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एर्नाकुलम सिटी पुलिस ने एक शख्स को अपनी इकलौती नाबालिग बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान सानू मोहन के तौर पर हुई है, जो एर्नाकुलम शहर का रहने वाला है। 13 साल की वाइगा की लाश 12 मार्च को कोची की मुत्तार नदी में पाई गई थी। पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि वाइगा को आखिरी बार सानू के साथ देखा गया था। सानू अपनी पत्नी के घर जाकर बच्ची वाइगा को इस बहाने के साथ ले गया कि वो एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा है। सानू की पत्नी और बेटी अलग घर में रहते थे। पुलिस को पहले संदेह हुआ कि सानू ने बच्ची को नदी में धक्का देकर खुद भी पानी में कूदकर खुदकुशी कर ली, लेकिन इसके लिए नदी में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। पुलिस को जांच के दौरान इनपुट मिले कि सानू बच्ची को धक्का देने के बाद खुद वो नदी में नहीं कूदा था। आपको आगे बता दें, आखिर पुलिस ने रविवार 18 अप्रैल को सानू को कर्नाटक के करवार से गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस के मुताबिक सानू ने अपराध कबूल कर लिया। सानू का कहना था कि वो भारी आर्थिक संकट में था और उस पर कई लोगों का कर्जा चढ़ा हुआ था। कोची पुलिस कमिश्नर सी नागाराजू के मुताबिक सानू ने पुलिस को बताया कि इसी दबाव में वो अपनी बेटी की हत्या के बाद खुद भी जान देना चाहता था, लेकिन बच्ची को नदी में धक्का देने के बाद उसकी खुद कूदने की हिम्मत नहीं हुई और वो अपनी कार से पहले तमिलनाडु फिर कर्नाटक भाग गया। पुलिस को सानू के बयानों में विरोधाभास नजर आया। नागाराजू ने कहा कि यह अचानक भावावेश में आकर किया गया अपराध नहीं है। ऐसे पर्याप्त सबूत हैं कि इस हत्या की प्लानिंग काफी पहले से ही तैयार की गई थी। आरोपी ने सुनिश्चित किया कि उसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद ना रहे। दर्शकों, हिमालिनी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हिमालिनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हिमालिनी को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली कोई भी खबर आपसे ना छूटे। और हाँ, सरकार द्वारा जो बताई जा रही गाइडलाइंस का आप भी पालन करें। बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, बिना मास्क के बाहर ना निकलें, और अपने साथ सैनिटाइज़र बिल्कुल अपने साथ रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।